नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री श्रीसुकवाच वचोनशम्यनंदस् तथ्य ब्रजौकसाइंद्रा मनु जनयन पितर केशवुकवाच शिलसुखदेव गोस्वामी ने कहा वच शब्द निशम्य सुनकर नंद से महाराज नंद के, के तथा और, और अन्य अन्यों के ब्रज ओकसाम, ब्रज के निवासियों के इंद्राय इंद्र हेतु मन्युम क्रोध जनयन उत्पन्न करते हुए पितरम अपने पिता से प्राह बोले केशव भगवान केशव अनुवाद और तत्पर्य अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भगवान के स्व श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद के तथा ब्रज के अन्य जनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया तात्पर्य शिला श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा न केवल किसी देवता का अपमान करने की थी अपितु उस मिथ्यागर्भ के पर्वत को ढहा देने की थी जो श्री भगवान के उस क्षुद्र सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था जो इंद्र के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्ण वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करेंगे और वे अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक बसे रहने की मनमोहक लीला आनंद मनाएंगे मनमोहक लीला का आनंद मनाएंगे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ओ, हमें प्रसन्नता है कि एक अवसर मिला गिरिराज जी के चरणों में बैठ कर के उनके लीला का स्मरण करने का और दूसरी विशेषता है कि ऐसे लोगों के बीच में बैठने का सुजोग मिला जो सब है भागवत के ही चिंतन मनन में लगे हुए हम भी यहाँ के अनुरूप कुछ कथा बोलना चाहते थे लेकिन हमें समय नहीं मिल पाया बहुत पढ़ने का हमको दूसरी सेवा में लगा दिया गया तो वो इससे भी महत्वपूर्ण था उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी लेकिन जो भी हो आप श्रीमद् भागवतम में गिरिराज धरण की लीला पढ़ते हैं और यह चौबीसवें अध्याय में चौबीसवें अध्याय से प्रारंभ होता है जैसा कि इस अध्याय में ये जो श्लोक है और इससे लीला का जो क्लू है जो मुख्य बिंदु है उसका निर्देश कर रहे है कि इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव और इसमें भगवान कुछ वचन बोल रहे हैं और वचन कैसे बोल रहे हैं कि कि बचो निसम्य नंदस्य पहले नंद बाबा की बात को सुने और इसके बाद नंद बाबा से कुछ कह रहे हैं अपने पिता से कह रहे हैं लेकिन ये जो भी वार्तालाप है ये क्रियाकलाप है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य है इंद्र में क्रोध उत्पन्न करना इंद्राय मन्युम जनयन क्या अर्थ होगा इंद्र को कुपित करना या इंद्र के प्रति कुपित करना दोनों अर्थ है, इसमें है ओ <laughs> भगवान ने लीला विलासी है, विचित्र विचित्र लीला करते हैं गोवर्धन धारण के लीला के पीछे विचित्र बात है कि एक व्यक्ति को क्रोध दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं क्रोध तो बहुत बुरा चीज है लेकिन तो भगवान है, केशव है ये जानते हैं कि किस चीज़ का उपयोग कैसे किया जा सकता है जैसा आप परपर्ट में पढ़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्ण वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करेंगे भगवान एक वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करना चाहते हैं और यह है, वार्षिकोत्सव बहुत महत्वपूर्ण श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस उत्सव को सब वैष्णव लोग मनाते कोई भी मंदिर है तो अन्कूट का उत्सव जरूर मनाते हैं और ये प्रकट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो आयोजन है तो वो अनकुट का आयोजन है तो यह वैष्णव संस्थान के लिए बिल्कुल आवश्यक है जैसा श्रीमद् भागवतम में गिरराज धरण की लीला को रखा गया है आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और तो एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अध्यायों में लीला को रखा गया है तो वही लीला का क्रम नहीं है क्योंकि ये गिरिराज धरण के ये गिरिराज पूजन के जो लीला है तो इसके तिथि के विषय में कोई संशय नहीं है। सारे वैष्णव लोग ये अन्कूट का उत्सव कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। जो गिरिराज धरण की लीला है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की है तृतीया से नवमी तक भगवान गिरिराज धरण किए थे आप पे भागवतम पढ़ेंगे शरद ऋतु का वर्णन है पूर्वराग का वर्णन है गोपियों का और इसके बाद वो चीरहरण की लीला है फिर यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा किए और ये लीला सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत किए इसके बाद गिरिराज धरण की लीला को प्रस्तुत कर रहे और फिर नंद बाबा के विषय में है और फिर रास लीला है तो ऐसे आप अध्याय के क्रम से देखें तो ऐसा लगता है यज्ञ पत्नियों के कृपा के बाद गिरिराज धरण की लीला और इसके बाद रास नृत्य की लीला है लेकिन अब कई एक चीज है विचार करने का है आप चीरहरण की लीला पढ़ते हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वह हेमंत ऋतु की लीला है। हेमंत मतलब अगहन मार्ग शीर्ष और गोवर्धन लीला ये कार्तिक महीने की और रास नृत्य शरद पूर्णिमा को अब शरद पूर्णिमा शब्द है शरद ऋतु का जो भी पूर्णिमा है उसको शरद पूर्णिमा कहा जाएगा शरद ऋतु में कौन कौन महीना है आश्विन और कार्तिक तो आश्विन महीना के पूर्णिमा को भी शरद पूर्णिमा और कार्तिक के महीना के पूर्णिमा को भी शरद पूर्णिमा कह सकते हैं। लेकिन मान्यता आश्विन महीना के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में क्योंकि सबसे सुंदर पूर्णिमा आश्विन महीना की होती उस दिन मछलियां वो आकाश में उछलती हैं चंद्रमा से संपर्क करने के लिए मछलियां अपनी भूल महसूस करती हैं। ये चंद्रमा तो हम लोगों के साथ ही थे लेकिन हम लोग तो एक चमकने वाला जलचर प्राणी ही समझे लेकिन ये तो अमृत के स्रोत हैं बहुत सुंदर पूर्णिमा होता है अश्विन पूर्णिमा के दिन ही भगवान रासलीला संपादित किए थे लेकिन आप रासलीला का वर्णन पढ़ेंगे तो गोपियां गोवर्धन धारण की लीला का अनुकरण कर रही है भगवान का अन्वेषण करते करते वे कृष्ण से तन्मय हो गई और भगवान के लीला का ही अनुकरण करने लगी तो उसमें आप स्पष्ट पढ़ेंगे एक गोपी कह रही है कि भय मत करो हम रक्षा का विधान कर देंगे और ऐसा कह करके अपने ओढ़नी कोई अपने वस्त्र को ही गिरिराज के रूप में धारण कर रही तो इस घटना से स्पष्ट है कि ये जो गोवर्धन धारण की लीला है वह रास लीला के पहले का लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते कि यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के बाद की लीला है और उसका कारण यह है कि हरण की लीला भगवान हेमंत ऋतु में किए और गोपियों को वचन दिए कि हम तुम्हारे साथ शरद की रात्रियों में रमण करेंगे विहार करेंगे और रासलीला का जो प्रथम श्लोक है भगवान पिता रात्रि यद्यपि इसके अनेक व्याख्या है लेकिन एक व्याख्या है कि भगवान जिस रात्रि का वचन दिए थे उस रात्रि को देख लिए, ध्यान रखिएगा एक व्याख्या है उसके अब ओरिजिनल व्याख्या कुछ और ही है भगवान पिता रात्रि बहुवचन में प्रयोग है तो भगवान ने लीला करना चाहते थे लेकिन अनुकूल समय नहीं मिल रहा था अब उधर जाने पर तो इधर बहुत कम कुछ कह पाएंगे लेकिन आप लोग भागवत के स्टूडेंट हैं इसलिए इस बात को समझना चाहिए भगवान पिता रात्रि रात्रि बहुवचन में भगवान पिता रात्रि उसको भगवान देखे दृष्ट श्रदुत फुल्ल मल्लिका बहुवचन का अर्थ किया गया है कि भगवान की इच्छा हो रही थी रास नृत्य करने के लिए लेकिन वह एक रात्रि में संभव नहीं था क्योंकि रास नृत्य की परिभाषा ही है कि एक नायक बहुत नायिकाओं के साथ विविध प्रकार के ताल तरंग से विभिन्न शैली में विभिन्न ताल तरंग में नृत्य करता है तो इसको रास कहते हैं जो संगीत के जानकार हैं उनको पता है कि संगीत की कितनी विधाएं हैं हम लोगों को तो कुछ ज्ञान नहीं है लेकिन हम लोग मेला देखे हैं हम लोगों को कोई अट्रैक्शन नहीं था लेकिन ध्रुपद मेला होता था बनारस में और भारत के सब हिस्सा से लोग आते थे कभी कभी हम लोगों के छत्रवास के बगल में भी होता था और टाइटी टाँटी रात भर हो रहा है ध्रुपद एक ताल में ही हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन जो जानकार हैं उसका आस्वादन करते हैं तो एक ध्रुपद के लिए ही तीन तीन दिन तक चलता था तो आप लीला में भी ध्रुपद का नाम सुनते हैं तो उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता थी अब भगवान के इस संकल्प को देख करके सब रात्रियां समवेत रूप से इकट्ठा हो गई तब भगवान देखे कि हाँ अब उपयुक्त वातावरण उपयुक्त समय आ गया तो यह कह रहे हैं कि एक व्याख्या यह है और यह ज्यादा समीचीन है लेकिन एक व्याख्या है भगवान रात्रि जिन रात्रियों का उल्लेख किए थे भगवान वचन दिए थे वो शरद की रात्रि जब उपस्थित हो गई भगवान मनस चक्र अब गोपियों के साथ विहार करने का संकल्प लिए भगवान वचन दिए थे कि शरद रात्रियों में बिहार करेंगे ओ जब चीरहरण हुआ उसके एगारह महीने बाद या दस महीने बाद रास लीला है और यह जो गोवर्धन धारण की लीला है वह भगवान सात वर्ष के अवस्था में किए थे तो इन सब तथ्यों के आधार पर यह स्थापित किया गया है कि जो गोवर्धन धारण की लीला है वह चीर हरण के लीला से पहले की लीला है और तो भाई बाद में सुखदेव गोस्वामी क्यों वर्णन किए उसका कारण यह है कि जब सुखदेव गोस्वामी पूर्वराग का वर्णन कर रहे थे तो अब कांता भाव इतना उनके मन पर छा गया कि उसी भाव की लीला को जो बाद की लीलाएं हैं उसको अभी पहले बोल दिए समझ रहे हैं सिद्धांत ना तो हम एक बात इसको कह रहे हैं कि यह जो गोवर्धन धरण की लीला है तो जैसे अध्याय का क्रम दिया गया है इस क्रम से नहीं है ये चीरहरण के पहले की लीला है और इस लीला के विषय में जैसा मैं पहले उल्लेख किया कि मुख्य चीज है कि भगवान इंद्र में क्रोध उत्पन्न करना चाहते थे क्रोध क्यों उत्पन्न करना चाहते थे और इसके पीछे कई एक सिद्धांत है इंद्र भी भगवान के भक्त है बहुत प्रिय भक्त हैं लेकिन वे अकिंचन भक्त नहीं है उनका ऐश्वर्य है और इस संसार की इस संसार का यह स्वरूप है कि व्यक्ति पद पर होता है तो उसमें अभिमान आ ही जाता है जो सुंदर शरीर प्राप्त किया है उत्तम कुल में जन्म लिया है बड़ा पद प्राप्त किया है विद्या अर्जित किया है और उसमें अभिमान न आ जाए तो यह तो भगवान की बहुत भारी कृपा ये भगवान खुद अपने मुख से बोले हैं और इंद्र भगवान के भक्त हैं लेकिन वे अभिमान से ग्रसित हो गए थे बहुत भारी दर्प भर गया था बहुत भारी घमंड भर गया था और इन बातों को आप समझ सकते हैं उनके वचन से वे कैसे भगवान के विषय में ब्रजवासियों के विषय में बोल रहे हैं तो उनके वचन से आप समझ सकते हैं कि कितने घमंड में भगवान ने अपने भक्त इंद्र के घमंड को दूर करना चाहते थे और उसी के लिए वो अपना रणनीति बनाए वे क्रोध उत्पन्न करना चाहते हैं और उसके बाद उसके घमंड को दूर करेंगे और दूसरी बात यह भी है कि भगवान ने को यह पसंद नहीं है कि हमारे जो अनन्य भक्त हैं वे देवता की पूजा करें आप भक्ति के सिद्धांत को जानते हैं जहाँ अनन्य भक्ति की बात है वहाँ अन्य देवी देवता के उपासना का कोई स्थान नहीं है हरिदेव सदाध्य सर्व देव बरेस्वर स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि हर स्थिति में भगवान हरि ही आराध्य है क्योंकि सभी देवताओं में वे श्रेष्ठ हैं इसके साथ यह जरूर है कि इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावध्येया कदाचन इस अंश पर भी ध्यान देना चाहिए कभी कभी हम लोग देखते हैं के कुछ भक्तों का ग्रुप है कि अनन्यता के नाम पर देवी देवता का अपमान करता तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए देवी देवता का अपमान करने से भक्ति में ह्रास हो जाता है यह सेवा अपराध है और इससे भी सावधान रहना चाहिए और भगवान ने कोई यह पसंद नहीं है कि हमारे जो नित्य परिकर हैं वह देवता की पूजा करे जो शुद्ध भक्त हैं तो उनका तो कर्तव्य है कि भगवान की पूजा करे और भगवान के भक्तों की पूजा करें तदीय सेवा कृष्णानुशीलन कृष्ण और कृष्ण के जो प्रिय हैं और उनका अनुशीलन यह उत्तमा भक्ति है और भगवान ने इस सिद्धांत की भी स्थापना करना चाहते हैं और इसके लिए वे अपनी योजना किए हैं और सुखदेव गोस्वामी इसका बीच बीच में संकेत किए हैं कि भगवान किस उद्देश्य से और किस ढंग से इस लीला को संपादित करना चाहते हैं तो हम लोग जैसे लीला का प्रस्तुत किया गया है और उस हिसाब से विचार करें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अपने तत्र न संजुता भगवान भी वहीं रहते हुए गोपान अपश्यन गोपान इंद्र जाग कृतोद्यमान कह रहे हैं कि भगवान अप तत्र न संयुक्त भगवान भी बलदेव जी के साथ बलराम जी के साथ तत्र एवं निवसन वहीं निवास करते हुए इंद्रजाग कृतोद्यमान गोपान अपश्यत गोपों को देखे जो इंद्र यज्ञ के लिए उद्यम में लगे हुए थे और तो भगवान अपि अपी शब्द का कनेक्शन है इस, इसके पीछे यज्ञ पत्नियों की कथा है और उसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यज्ञ व्यक्तियों के जग, अपने पत्नियों के भगवत कृपा को देख करके जो तो उनके पति लोग थे ब्राह्मण लोग थे मथुरा के तो वे भी भगवान के भक्त हो गए पहले तो भगवान के प्रति उनके बहुत भक्ति नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट भगवान के लिए भोजन मांगने के लिए सखा लोग गए थे वे मांग रहे थे प्रणाम करके मांग रहे थे लेकिन उधर वे लोग ध्यान ही नहीं दिए हाँ ना कुछ नहीं बोले लेकिन जब अपने पत्नियों के व्यवहार को देखे और उनके मन में भी भक्ति का संचार हो गया वे भगवान के भक्त हो गए श्रद्धा भर गई लेकिन कंस के भय से न चचाल वहां से हटे नहीं भक्ति हृदय में आ गई लेकिन अब भगवान के पास गए नहीं वहीं रुके वो तो कह रहे हैं कि जैसे यज्ञ ब्राह्मण वहीं रुके और कह रहे हैं कि भगवान भी भगवान भी वृंदावन में ही रह रहे थे। तो वहाँ से अपी शब्द का संबंध है अब एक विशेष घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि वृंदावन में रहते हुए ही अपस्यन इन गोपान वे गोपों को देखे जाग कृतोद्यमान वे देख रहे हैं कि जितने भी गोप हैं तो बहुत है लगे हुए हैं बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं बहुत बहुत साज समान जुटा रहे हैं और इसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तदिज्ञो भी भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन भगवान उनको देख रहे हैं तो सब चीज जानकारी है कि किस लिए ये लोग उद्योग कर रहे हैं ये उपक्रम प्रारंभ किए हैं भाई कैसे वे जान गए छोटे बच्चे हैं तो कह रहे हैं कि सर्व दर्शन वे व्यक्ति के एक एक चीज को समझते हैं हृदय के संकल्प तक को समझते हैं वे कैसे समझते हैं सर्वात्मा वो सर्व व्यापक हैं बाहर भीतर सब जगह है और इसलिए सर्व दर्शन वे एक एक जानते हैं हम लोग तो परिचिन है अब इस कमरे में है तो बाहर नहीं है तो दृष्टि के सामने जो चीज है उसका कुछ कुछ ज्ञान रखते लेकिन भगवान तो सर्वात्मा सर्व व्यापक है ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है इसलिए सर्वदर्शन सब चीज जानते हैं और ये गोप लोग किस लिए भाग दौड़ कर रहे हैं इसका उनको पूरा पूरा ज्ञान है लेकिन फिर भी तो प्रयावनोप्रिछन वृद्धानंद पुरोगमन फिर भी बहुत विनय पूर्वक अवनत हो करके और उनसे पूछ रहे हैं जो बड़े बूढ़े गोप हैं उनसे पूछ रहे हैं खास करके नंद पुरोगमन गोपलोग जो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे तो नंद महाराज उसमें लीडर थे वही अगहर थे वही आगे आगे चल रहे थे उन्हीं के निर्देश में सब कुछ हो रहा था वो तो भगवान ये सब भाग दौड़ दे करके तैयारी को देह करके और बहुत नम्रता पूर्वक उनसे पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागत किम फलम कस्य वो देश जो देश के ना साध्यती मक वे अपने पिताजी को संबोधित करके पूछ रहे हैं कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वह उपागत यानी कि आप लोग बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं आप लोग में हलचल बहुत है कैसा हलचल आ गया है कैसा संभ्रम है ये हमको बतलाइए तो भगवान ने जब ऐसा पूछे नंद महाराज तो नंद बाबा बहुत सहज भाव में बोल दिए कि बेटे यज्ञ की तैयारी चल रही है तो अब पूछ रहे हैं किम फलम कसे वो देश के व साध्य मक यज्ञ की तैयारी है यज्ञ किस उद्देश्य से किया जा रहा है यज्ञ का लक्ष्य क्या है किस फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा है और इसके लक्ष्य कौन है किसके लिए यज्ञ हो रहा है और केनवा व साध्यतेम कौन यज्ञ करने वाला है केन के न दो अर्थ में ने किस व्यक्ति के द्वारा संपादित हो रहा है या किस वस्तु से यज्ञ का संपादन किया जाएगा कौन यज्ञ का संपादन करने वाला है किस वस्तु से यज्ञ का संपादन किया गया होगा और इसको बतलाइए एतद् त्रूही महान काम मयम शुश्रूषे पिता न ही गोप्यम साधु नृत्यम सर्वात्म नाम अब ऐसे पूछने लगे नंद बाबा छोटा बच्चा है सोचे थे अरे पूछ रहा है एक शब्द में उत्तर दे देंगे संत हो जाएगा यज्ञ की तैयारी चल रही है लेकिन अब ये यज्ञ के विषय में प्रश्न करने लगे अब ये छोटा सा लड़का ये यज्ञ के विषय में प्रश्न कर रहा है कैसे इसको बतलाया जाए ये क्या समझेगा तो वे अब उत्तर दे नहीं रहे यद्यपि नंद बाबा बहुत प्रसन्न है इस अर्थ में कि किसा सात साल का है लेकिन कितना व्यवस्थित प्रश्न कर रहा प्रश्न तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा है प्रश्न पूछना भी एक कला है सब लोग नहीं प्रश्न पूछ पाते हैं कभी कभी तो लोग प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होते हैं तो संशय हो जाता है कि वो प्रवचन कर रहे हैं कि प्रश्न करेंगे और आप लोग विद्यालय में है यह एक कौशल है इसको भी सीखना पड़ता है खास करके टीचिंग का टूल है प्रश्न से कई एक चीज सिखा दिया जाता है प्रश्न केवल जानने के लिए नहीं पूछा जाता है खास करके टीचिंग के फील्ड में प्रश्न पूछ करके कई एक चीज सिखा दिया जाता है या प्रश्न के द्वारा बुद्धि को मन को ठीक पॉइंट पर पहुंचा दिया जाता है ये सब है यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग है तो ये क्वेश्चन भी एक है, मुख्य आइटम होता है औ, नंद बाबा बड़े प्रसन्न है छोटा लड़का है लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा पूछ रहा है वो प्रश्न अच्छा से पूछ दीजिए तो कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर भी वैसे ही आसानी से दे दिया जाएगा कभी कभी तो हम लोगों से प्रश्न लोग निकुंज के विषय में पूछने लगते हैं प्रश्न भाषा ठीक होता है लेकिन उत्तर का तो ज्ञान ही नहीं है उनको उत्तर दे हम लोग कैसे देंगे बाबा बहुत प्रसन्न है प्रश्न पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा लेकिन अब उत्तर देने पर समझेगा नहीं समझेगा तो चुप रहे अब कुछ बोल नहीं रहे हैं अब मानो भगवान को ऐसा लगा कि क्यों चुप है कि हमको बतलाना नहीं चाहते हैं कभी कभी किसी से प्रश्न किया जाता है लेकिन वो प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता है तो वो चुपचाप कोई दूसरा बात करने लगता है तो नंद बाबा से वो कम से कम चार प्रश्न कर दिए कि अब यज्ञ है किस फल से किस फल के लिए और किसका यज्ञ किया जा रहा है किस साधन से किया जाएगा और करने वाला कौन होगा वो चुप है तो फिर भगवान कह रहे हैं कि ए तद ब्रूही महान काम मयम सुश्रु पिता के अरे बतलाइए हमको सुनने की बहुत इच्छा है या पूछने के पीछे आधार दे रहे हैं कि महान कामो हम इतना अनुमान कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी बहुत रुचि है इस यज्ञ में बहुत भारी आपकी संलग्नता है आपके इतर कोई कामना है तो हम जानना चाहते हैं और इसको बतलाइए लेकिन अब नंद बाबा कुछ देर चुपचाप हैं अब जो सोच करके कि बच्चे को कैसे समझाएं तो अब ये समझ रहे हैं भगवान समझ रहे हैं कि लगता है कि हमको बतलाना नहीं चाहते हैं। तब सिद्धांत दे रहे हैं कि नहीं गोप्या में साधु नाम कृत्यम सर्वात्म नाम के जो साधु पुरुष हैं और उनके लिए कुछ गोप्य नहीं होता है ये सिद्धांत दिया जा सकता है कि भाई कोई आपका प्लान है उसको सबसे नहीं बतलाना चाहिए नीति भी है कि मनसा चिंतितम कार्यम न बचसा प्रकाशयत और मन में कुछ योजना है तो वचन से उसको प्रकाशित नहीं करना चाहिए आप बलि महाराज के प्रसंग में भी पढ़ते हैं कि अदिति के समक्ष जब भगवान प्रकट हुए और कहे कि तथापि पायो मम देवी चिंत हम तो कोई उपाय करेंगे लेकिन कह कर रहे हैं कि इसको किसी से कहना मत कि भगवान आए थे पृष्ठ कथन छा कोई पूछे फिर भी मत बतलाना क्योंकि देवताओं का कार्य जब छिपा करके रखते हैं तो उसकी सिद्धि हो जाती है कोई आपकी योजना है और उसको बहुत प्रकाशित कर दीजिए तो कई एक विरोधी खड़ा हो जाते हैं <laughs> हम देखे हैं कि कई एक लोगों को जब एम्बेसी में जाना होता है तो डेट का पता नहीं चलने देते हैं <laughs> कि कोई ऑब्जेक्शन न कर दे <laughs> तो कहीं कहीं गोपनीयता का भी महत्व तो है <coughs> लेकिन भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि नहीं गोप्यम में साधु नाम कृत्यम सर्वात्म नाम ही है कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष हैं तो उनका कोई व्यवहार तो छिपाया नहीं जाता है। वो तो नहीं कोई अपना व्यवहार छिपाते हैं सर्वात्मा अब वे तो महात्मा हैं सब लोग उनके अपने हैं तो इसलिए वे अपने व्यवहार को अपने कृत्य को अपने कार्य को गोपनीय नहीं रखते हैं जो साधु हैं सर्वात्मा हैं सर्वात्मा मतलब सबको अपना ही मानते हैं आत्मा मतलब अपना तो सब अपना ही है और वे कुछ छिपा करके नहीं रखते हैं और सिद्धांत तो दिए कि साधुओं के लिए महात्मा के लिए कुछ भी गोप्य नहीं है लेकिन मानो नंद बाबा कह दे अरे बेटा हम वैसा महात्मा नहीं है, हम गिरस्थ हैं हमारी <laughs> तो पत्नी है पत्नी और बच्चे वालों को कइए चीज छिपा करके रखना होता है <laughs> ये ब्रह्मचारियों का समाज है लेकिन कई एक गृहस्थ भक्त लोग हैं कि किसी को कुछ दक्षिणा देने की योजना है कुछ डोनेशन देने की योजना है या अपने भाई बहन को कुछ सहायता करना है तो अपने पत्नी से छिपा कर रखते कहीं पत्नी को बतला दिए तो ऑब्जेक्शन खड़ा हो जाएगा <laughs> एक भक्त है वे सुना रहे थे उनके घर में एक लड़का नौकरी ज्वाइन किया उसके बहन का विवाह था वो खुशी खुशी अपने बहन के विवाह में खर्च करने के लिए कुछ पैसा दे दिया तो उसकी पत्नी कह रही है अरे पैसा विवाह के लिए दे नौकरी का पैसा बहन के विवाह में दिया जाता है तो खेती के पैसा से होता है। <laughs> नौकरी का पैसा दिया जाता है नंद बाबा कह सकते हैं भाई हम लोग तो गिरहस्थ हैं हम लोग सब चीजों पर नहीं रखते हैं कुछ छिपाना पड़ता है अब तो कह रहे हैं कि अस्थि स्व पर दृष्टि न दास्त विद्विसाम कह रहे हाँ ठीक 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 है अब भाई जो उस लेवल का महात्मा नहीं है अभी उसको स्व और पर बुद्धि है कि हमारा है ये पराया है और उसके लिए ये सिद्धांत है वो सब चीज प्रकट नहीं करता है जो सर्वात्मा है और उसके लिए तो सब अपने ही हैं तो कुछ छिपा करके नहीं रखता है और जो साधु है अब साधु है तो कोई जुगुप्सित कार्य तो करेगा नहीं कोई निंदनीय कार्य कर रहा है तब छिपाने की जरूरत है ना निंदनीय कार्य नहीं है तो उसको छिपाने की क्या जरूरत है और नंद बाबा मान गए कि हम लोग उस लेवल के नहीं हैं न महात्मा है न साधु ऐसा है <laughs> तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है तो इस स्थिति में भी तो हमसे कुछ है, छिपाने की आवश्यकता नहीं है हम मानते हैं कि जिसकी स्व और पर बुद्धि है मतलब किसी को अपना मानता है किसी को पराया मानता है और तो जो पराया है शत्रु पक्ष है तो उससे से तो अपनी बात नहीं कहनी चाहिए तो दो पक्ष हुआ अपना हितैषी पक्ष सुहृद पक्ष और विपक्ष तो विपक्ष से अपनी योजना को कहना ठीक नहीं है लेकिन केवल दो ही पक्ष नहीं होता है एक और पक्ष होता है उसको उदासीन कहते हैं वो न सुहृद है न विरोधी है उदासीन है वो बीच का है लेकिन उदासीन का भी दो भाग कर देंगे वह कैसे दो भा कि कुछ उदासीन व्यक्ति होते हैं जो सुहित पक्ष के हैं पक्ष का अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी का हित करना चाहता है उसके लिए प्रयास करता है एक्टिव रहता है लेकिन कुछ लोग उदासीन हैं वे सुहित पक्ष के हित चाहते हैं लेकिन कोई व्यवहारिक स्तर पर नहीं आते हैं और कुछ लोग विरोधी हैं, हैं वो विरोध करते हैं और कुछ लोग हैं कि कुछ विरोध करते नहीं हैं उदासीन रहते हैं लेकिन है विरोधी पक्ष के तो दोनों में क्या अंतर होता है भाई वो विरोध नहीं कर रहे हैं विरोधी पक्ष के हैं और ये हित नहीं कर रहे हैं और सुहित पक्ष के हैं दोनों में अंतर क्या है अंतर यह है विरोध करते नहीं है लेकिन कोई विरोध किया तो प्रसन्न हो जाएंगे <laughs> उनको खुशी होगी और जो सुहित पक्ष के हैं तो हित तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका हित हो रहा है उसको सुख आ रहा है तो उसमें वे प्रसन्न होंगे और जो विपक्षी है लेकिन उदासीन है उदासीन का अर्थ है कि कोई योजना नहीं कर रहा है कोई व्यवहार में विरोध नहीं कर रहा है लेकिन उसका दुख होगा तो उसको भी प्रसन्नता हो जाएगी तो भगवान कह रहे हैं कि उदासीनो अरिवद वर्जित जो विरोधी पक्ष का है और उदासीन है उदासीन है मतलब है वो सक्रिय नहीं है लेकिन उसको भी शत्रु जैसा ही मानना चाहिए उससे भी गोपनीय बात नहीं बोलना चाहिए लेकिन आत्मवत सुहृद लेकिन जो सुहित है पक्ष का है तो बिल्कुल आत्मीय है तो भगवान के कहने का आशय यह है कि मैं तो आपका पुत्र हूँ बिल्कुल आत्मीय है तो हमसे तो किसी स्थिति में कोई बात छिपाने का कोई जगह नहीं है अवकाश नहीं औचित्य नहीं है तो हमसे छिपाने का कोई आवश्यकता नहीं हमसे बतलाइए <coughs> और भगवान सिद्धांत दे रहे हैं <coughs> कि कोई योजना है कोई विशिष्ट कार्य है और उसको तो अपने संबंधियों से कहना चाहिए ज्ञातवा च चकर्माणी जनोयम अनुतिष्ठति, विदुषा कर्म सिद्धि यथा ना विदुषो भवेत कह रहे हैं कि कोई भी उपक्रम है कोई योजना है तो उस पर विचार करना चाहिए इस संसार में दो तरह से लोग कार्य करते हैं एक कार्य को समझ करके और ये बिना समझे देखा देखी करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है जो समझ करके कार्य करते हैं तो विदुषा कर्म सिद्धि सिद्ध सिद्धि से उनका कार्य सिद्ध हो जाता है उनको सिद्धि मिल जाती है लेकिन जो बिना विचार किए बिना समझे किसी योजना को संपादित कर रहे हैं किसी कार्य को कर रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि उनको सिद्धि मिल जाएगी विचार करके कार्य करना और बिना विचार किए कार्य करने में अंतर है और भगवान का आशय यह है कि हम तो अपने हैं और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं तो आप लोग आपस में विचार किए होंगे और हम भी विचार कर सकते हैं इस तो बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है तत्र तावत क्रिया क्रियाजोगो भवताम किम विचारित अथवा लौकिक स्तन में पृछतः साधु भाइड्यता और भगवान आग्रह कर रहे हैं कि ये जो तैयारी चल रही है और इसके विषय में बतलाइए साधु भाड्यता खूब अच्छा से बतलाइए और प्रश्न कर रहे हैं कि तत्र तावत क्रिया योगो भवतम किम विचारित भवतम क्रिया योग ये जो लोग आप लोग उपक्रम कर रहे हैं जिस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं तो क्या विचारित है मतलब शास्त्र सम्मत है ये शास्त्र के विचार से कर रहे हैं कि अथवा लौकिकस ये केवल लौकिक है देखा देखी कर रहे हैं अब इस बात को मैं पूछ रहा हूँ और खूब अच्छा से इसको बतलाइए हमें बहुत जानने की आवश्यकता है जब है, भगवान बहुत अपना आग्रह प्रकट कर रहे हैं और बड़ा व्यवस्थित ढंग से प्रश्न कर रहे हैं और नंद बाबा प्रसन्न है अपने पुत्र के बुद्धि को देख करके उसके योग्यता को देख करके और उसके आग्रह को देख करके बतलाना प्रारंभ किए तो कह रहे हैं कि परजन्यो भगवान निंद्रो मूर्तया भगवान कह रहे हैं कि साधु भैंडता खूब अच्छा से बतलाइए हो नंद बाबा भी बतलाना प्रारंभ किए वो सिद्धांत दे रहे हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास मूर्त जो पर्जन्य है वर्षा है तो उसके कंट्रोलर भगवान है ए, ए, इंद्र हैं भगवान इंद्र हैं और मेघास्तस्यात्मूर्त और ये जो मेघ हैं बादल हैं तो उनके ही प्रतिनिधि हैं या उनके ही स्वरूप हैं ते भी वरसंत भूतानम प्रीणनम जीवनम पय और ये मेघ ही वर्षा करते हैं और वर्षा का क्या मतलब है कि भूतानम जीवनम वह वर्षा करते हैं पय जल बरसाते हैं लेकिन जल ही लोगों का जीवन है और यही प्रसन्नता है ये क्रम समझ सकते हैं कि जब बादल वर्षा करते हैं तो वर्षा जल की होती है लेकिन वही जल कारण बनता है अन्न का फल का सब्जी का जल न रहे तो अब पोषण तो नहीं हो पाएगा जो जो जीवन है जीवन की सामग्री है तो उसको नहीं प्राप्त कर सकते और जीवन की सामग्री ही नहीं रहेगी खाने पीने का ही समान तो प्रसन्नता का कोई प्रश्न ही नहीं है वो एक तरह से वो भगवान इंद्र ही नियामक हैं वही जल देते हैं और उसी से लोगों का जीवन है उसी से प्रसन्नता है तो तम तातम तम तात वयमने च वारमूचम पतिमीश्वरम द्रव्येत रेतसा सिद्धैर यजंते कृतभिर् नरा नंद बाबा कह रहे हैं कि वारमूचम पतिमीश्वरम जो बार मुचाम बादलों के ईश्वर हैं बारी मुचाम जो जल देते हैं और तो उनके जो ईश्वर हैं कंट्रोलर हैं तो हम लोग और दूसरे लोग भी उन्हीं की पूजा करते हैं उन्हीं की आराधना करते हैं और आराधना कैसे करते हैं यज्ञ कैसे करते हैं तो द्रव्य स्तरीसा सिद्ध है। अब उनके प्रभाव से ही उनके प्रोडक्ट से ही जो द्रव्य प्राप्त होता है वे वर्षा करते हैं और उसी से अन्न प्राप्त होता है फल प्राप्त होता है तो उसी समान से हम लोग उनकी पूजा करते हैं उनका यज्ञ करते हैं और तेषण उपजीवंती त्रिवर्ग फल हेतु पुनसम पुरुष कारण पर्जन्य फल भावना नंद बाबा कह रहे हैं कि इंद्र ही इंद्र था कहीं मैं रख दिया किधर रखा इंद्र ही जीवन के कारण है वही जीव का के साधन है और तो भगवान कह सकते हैं कि वे कैसे कारण है अरे व्यक्ति को पुरुष कारण अपना व्यवसाय करता है उद्यम करता है कुछ क्राफ्ट सीखता है उससे उसकी जीवन चलती है वो कह रहे हैं कि सबके पीछे वर्षा ही मूल कारण अरे भाई कोई बढ़ई हो या और भी कुछ कर रहे हैं तो वृक्ष इत्यादि का पोषण लकड़ी का भी पोषण तो वर्षा से ही होता है ये कुछ लोग फूड इंजीनियर है वो पुरस्कार अपना और प्रोसेस करते हैं लेकिन अन्न तो वर्षा ही से प्राप्त होता है ना तो ये जो हमारा कौशल है तो अभी तो अंततः वर्षा पर ही निर्भर है और कह रहे हैं कि वो वर्षा सबका जीवन है और उसके कंट्रोलर इंद्र हैं और इसलिए हम लोग इंद्र के यज्ञ करते हैं और अब एक बात और कह रहे हैं कि या ये निसजित धर्म पारंपर्य परम्परिया गया लोभा सवई नापनोति अरे कि जो यज्ञ नहीं करेगा अब लोभ बस या किसी के भय बस या द्वेष बस उसकी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी उसके जीवन में प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होगी हम लोग यज्ञ करते हैं जीवन प्रसन्न रहता है और त्रिवर्ग फल हेतवे और केवल खाने पीने की ही बात नहीं है और भी धर्म कर्म दान दक्षिणा जो भी है वो सब वर्षा पर ही आधारित है वो सब को सिद्ध करने के लिए हम लोग इंद्र के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बचो निशम्य नंद तथा तथान्यषा ब्रजऊ के शाम इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव जब इस प्रकार नंद बाबा के वचन को सुने और भी दूसरे ब्रजवासी भी इसका समर्थन कर रहे थे अन्यषा ब्रजऊ के शाम अपने पिता की बात भी सुने और दूसरे ब्रजवासियों का भी दूसरे भी नंद महाराज के बात का ही समर्थन कर रहे थे तो इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के लिए भगवान अपने पिता से इस बात को बोल रहे वे प्रश्न होगा कि देवता में क्रोध उत्पन्न करना चाहते हैं उनको भय नहीं है के सब तो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं उनके भी नियंता है उनको क्या भय है तो क्रोध उत्पन्न करने के लिए वचन बोल रहे हैं यहाँ भगवान कई एक श्लोक में प्रवचन किए हैं नंद बाबा को बतलाए हैं लेकिन इस प्रवचन के विषय में एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है इंद्र में कोप उत्पन्न करना तो एक खास उद्देश्य से इन वाक्यों को बोल रहे हैं इसलिए इसको इनवर्सल नहीं ग्रहण किया जा सकता इसको सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता जो भगवान का प्रवचन है भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं लेकिन अब जैसे गीता बोले हैं गीता को जिस रूप में ग्रहण करते हैं उस रूप में इसको ग्रहण नहीं कर सकते क्या दोनों में अंतर है गीता बोले भगवान वो कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए अर्जुन के समक्ष ये समस्या थे कि कार्पण्य दोष से बाधित हो रहे थे यह श्रेय अब जिससे मंगल हो इससे कल्याण हो तो उस बात के विषय में प्रश्न किए और गीता का जो उपदेश है वो तो लोगों के कल्याण के लिए खास करके कार्पण्य दोषो पहत कार्पण्य दोष का अर्थ है कि जो अपने पूंजी का उपयोग नहीं कर रहे कार्पण्य दोष कृपण के भाव को कार्पण्य कहते हैं कृपण और दरिद्र में अंतर होता है दरिद्र उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास संसाधन का अभाव पैसा नहीं है और उसको दरिद्र कहा जाएगा खाने पीने का सामान नहीं है उसको दरिद्र कहा जाएगा लेकिन कृपण किसको कहा जाएगा कि जिसके पास पैसा है लेकिन खर्च करना नहीं चाहता तो ये कार्पाइंड को समझना चाहिए कार्पाइंड दो सो प्व अर्जुन में लड़ने की क्षमता थी अर्जुन की यह क्षमता थी कि अकेले सारे योद्धाओं के साथ लड़ सकते थे गांधी उनके पास था लेकिन जो अमित जो धाओं के साथ लड़ने की क्षमता रखता है उसकी स्थिति थी कि अपने शरीर को भी नहीं संभाल सकता थर थर काप रहा था यह स्थिति हो गई कि खड़ा नहीं रह सकता था बैठ गया कोई दोष है क्षमता है उनके पास लेकिन उसका उपयोग करने में सफल नहीं तो केवल अर्जुन की यह स्थिति नहीं है अर्जुन से कहीं अधिक कृपण हम लोग हैं बहुत भारी संपत्ति है मल्लक्षण मिमम कायम ये भगवान जो शरीर दिए हैं इससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन उस कार्य के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कृपण नंबर एक बहुत भारी कार्पण्य दोष से हम लोग बाधित भगवान यह जो मनुष्य शरीर दिए हैं इसमें ऐसी शक्ति प्रदान किए हैं कि इसे ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है भागवतम में श्लोक है सृष्टवा पुराण अजयात्म शक्ति सृष्टवा पुराण विविधान अजयात्म शक्ति भगवान बहुत बहुत शरीर की रचना की अपना अपने माया शक्ति के सहयोग से वृक्षांत शरी कृपा वृक्ष बनाए रिंगले वाले उड़ने वाले पक्षी बनाए चलने वाले लेकिन तय रतुष्ट हृदय बहुत बहुत प्रकार की सृष्टि है लेकिन उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ ओ तो, जब ब्रह्मा व लोक धीषण जब ऐसे शरीर की लच, रचना किए जिसमें ऐसा विवेक है कि ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है मुदम अवाप उनको प्रसन्नता हुई वो भगवान बहुत विचार करके ये मनुष्य सृष्टि की रचना किए इसको सृष्टि के क्रम में सातवें स्थान पर रखा गया वो मनुष्य शरीर से वे संतुष्ट हो गए क्यों कि ब्रह्मा व लोकधीषण इसमें ऐसा विवेक दिए हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता यह क्षमता है हम वैकुंठ प्राप्त कर सकते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ये पूर्ण क्षमता से युक्त है शरीर इस कार्य के लिए लेकिन इस दिशा में उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कृपण हैं बहुत भारी संपदा हमारे पास है लेकिन इसका उपयोग नहीं कर रहे तो ऐसे लोगों के लिए भगवद गीता, श्रेय के लिए लेकिन यहाँ जो भगवान का प्रवचन है तो मन्युम जनयन क्रोध उत्पन्न करने के लिए और इसलिए भगवान के प्रवचन को गीता जैसा ग्रहण नहीं किया जा सकता ये एक सीमित उद्देश्य से बोला गया इस प्रवचन में कई एक प्रकार के दोष भी निकाले जा सकते हैं। तो अब भगवान ने को अवसर मिला तो अपने पिताजी से कहने लगे अब बहुत विस्तार से नहीं जा सकते नंद बाबा सिद्धांत दिए थे कि हम लोग इंद्र की आराधना करते हैं वे देवता हैं क्योंकि उन्हीं से हमें जीवन की सामग्री प्राप्त होती है जो भी सुख सुविधा है उसके मूल कारण वे भगवान सिद्धांत देने लगे कि कैसी बात कर रहे हैं अरे ये तो प्रसिद्ध बात है कि कर्म सब सब कुछ करता है कर्म से व्यक्ति का जन्म होता है और कर्म से उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है वो तो हमारे दृष्टि में तो कर्म प्रधान है भगवान मीमांसा दर्शन को प्रस्तुत करने लगे और बहुत विस्तार से इस विषय पर बोले कर्मणा जायते जंतुर ये कर्म प्रधान है और कर्म की ही पूजा करनी चाहिए कर्म ही पूजा है कर्म से सब कुछ होता है और यदि आप ईश्वर की बात कहते हैं तो मान लीजिए लॉजिक से कि, कि कोई ईश्वर है भी तो वे भी तो कर्म के अनुसार ही व्यवहार करता है ना यदि ईश्वर भी है कोई कंट्रोलर है वह भी कर्म के अनुसार व्यवहार करता है वे भगवान यह बोलना प्रारंभ किए कि कर्म से ही सब कुछ होता है और कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि कर्म तो जड़ है उसको फल देने वाला कोई दूसरा है और भगवान कह रहे हैं कि अच्छा इसको हम मान लेते हैं कि तो कोई फल देने वाला तो जो कर्म करेगा उसी को फल देगा ना कि बिना कर्म किए फल दे देगा तो जो ईश्वर है मान लिया जाए ईश्वर भी तो वह तो कर्म के अधीन हुआ कर्म के अनुरूप ही व्यवहार करेगा वह भी तो कर्म का एक तरह से अधीन ही हुआ कर्म प्रधान है अरे भाई कोई कह को सकता है कि ना कैसे ईश्वर का निषेध किया जाए सृष्टि चल रही है वो तो कोई तो कंट्रोलर होगा कि ना ना ये स्वभाव से चल रहा है और कर्म ये स्वभाव भी निर्धारित होता है कर्म से इसका सृजन कर्म होता है तो भगवान कर्म, कर्म के सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं और ये जो प्रकृति के संचालन कर रहे हैं तो उसको स्वभाव संचालित करने वाला है वो एक तरह से सार में कहा जाए वो भगवान कर्म मानसा के सिद्धांत को उपस्थित कर रहे हैं और निरश्वर वादी सांख्य को उपस्थित कर रहे हैं और फिर है, कह रहे हैं कि यदि आप लोगों की बात मान भी ले कि कोई देवता है वह जीवन की सामग्री देता है तो हम इस सिद्धांत से भी विचार करे तो हम तो कहेंगे कि हम लोगों को सब सुविधा देने वाले ब्राह्मण हैं, गाय हैं और गिरराज कोई सुविधा देने वाला है जिसको आप देवता कह रहे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं तो हम तो प्रकट देख रहे हैं कि हम लोगों के लिए जो वन में रहने वाले हैं तो उनके देवता तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण इस अर्थ में कि तो उनके आशीर्वाद से समृद्धि आती है, उनके आशीर्वाद को सुनते हैं एक गाय से दूध प्राप्त हो रहा है तो ये जीवन की सामग्री को प्रदान करने गिरराज प्रकट लकड़ी देते हैं घास देते हैं वो तो देवता के सिद्धांत को माना भी जाए कि जीवन की सामग्री वे प्रदान करते हैं तो हमारे दृष्टि में तो गाय की पूजा होनी चाहिए ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए और गिरिराज जी की इस पर्वत की पूजा होनी चाहिए ये लोग हम लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं वो तो भगवान जब इस बात को बोले तो ब्रजवासियों को भी ये बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक ही कह रहा है ये तो गिरिराज प्रकट सुविधा प्रदान करते हैं गाय प्रकट सुविधा प्रदान कर रही वो तो मानो ब्रजवासी ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है वे ये भी देवता हैं, इनके भी हम पूजा करेंगे लेकिन पहले इंद्र की पूजा हो जाए इसके बाद हम लोग करेंगे और न इंद्र के पूजा की आवश्यकता ही नहीं है अरे इंद्र को आप लोग देखे हैं कभी वो देता है सुविधा है आप लोगों को विषय ये तो प्रकट यहाँ तो देख रहे हैं ना कि गिरिराज जी सुविधा दे रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि हम तो कहेंगे कि गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए वो तो कह रहे हैं कि कालात्म न भगवान ने जब इस प्रकार की बात बोलने लगे तो सब लोग इसको स्वीकार कर लिए उसका कारण है ये कह रहे सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि कालात्मना भगवता सर्क दर्प जिगता भगवान प्रस्ताव रखे कि कैसे पूजा करनी चाहिए गाय को घास दीजिए ब्राह्मण को खूब अच्छा भोजन दीजिए दक्षिणा दीजिए और जो इंद्र यज्ञ के लिए समान जुटाया गया है वो इसी का पकवान बना करके और गिरिराज जी को अर्पित किया जाए और इनको भोग अर्पित करके बलि अर्पित करके इनकी परिक्रमा की जाए वो तो एक एक चीज को वे बहुत क्रम से बतलाए कहे कि अलग से जुटाने की जरूरत नहीं है समान तो जुटा हुआ है और पच्चनताम विविधा पाका जो समान जुटा है वो इसी से विभिन्न प्रकार के पकवान को आप बनाइए पकवान बनाने का क्रम भी दे रहे हैं ए सुपानता पायसा सब्जी अंत में बनना चाहिए पायसा जो खीर है जाऊर है और इसको पहले बनाना चाहिए क्योंकि खीर ठंडा होने पर इसका स्वाद बढ़ जाता है और सब्जी ठंडा होने पर तो स्वाद घट जाता है वो मेनू बतला रहे हैं संजाव हलवा बनना चाहिए लपसी बननी चाहिए पुआ मालपुआ बनना चाहिए पूड़ी बनना चाहिए और ये भगवान गिरिराज को अर्पित करना चाहिए गिरिराज बाबा को अर्पित करना चाहिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए गायों को घास देना चाहिए वे बहुत अच्छा से पूजा पद्धति को बतलाए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साधु गृहणत तदवच और भगवान जब गिरिराज जी के पूजा का प्रस्ताव रखे और उनके बात को सब लोग स्वीकार कर लिए साधु अग्रहणत खूब अच्छा से स्वीकार कर लिए और ये जो परंपरा से देवता की पूजा हो रही है अब उसको छोड़ करके एक बच्चे का एक बच्चे के बात को कैसे स्वीकार कर लिए तो कह रहे हैं कि आत्मा आत्मना भगवता सर्क दर्प जिघांसता भगवान जब बोल रहे हैं तो उनके पीछे उनके बोलने के पीछे उद्देश्य है इंद्र के घमंड को दूर करना और कौन बोल रहा है तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना जो काल स्वरूप हैं ये काल के भी आत्मा हैं उसको भी प्रेरित करने वाले एक तरह से जो भी घटना हुई है चाहे इंद्र की पूजा हो इंद्र के पूजा को रोकना हो गिरिराज की पूजा हो वो सबको प्रेरित करने वाले यही हैं काल स्वरूप से काल रूप से काल आत्मा ना यह एक दूसरा अर्थ किया जा सकता है कि जो काले रंग का है जिसका शरीर काला है कलात्मा कालात्मा है वो भगवान श्याम सुंदर इस बात को कहे और सब लोग स्वीकार कर ली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कालात्मा कलयति आकर्षयति सर्व जगत चित्तम इति काल जो सारे संसार के चित्त को आकर्षित कर ले तो उसको कहा जाएगा काल तो भगवान और स्वरूप ही है परम आकर्षक अरे भगवान को देख करके ही उनके विषय में सुन करके ही व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है उन पर लट्टू हो जाता है फिर उनके बाणी को सुन करके और वे भी टारगेट करके कोई उद्देश्य बना करके कुछ कह रहे हैं तो कौन व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर लेगा और भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत सही नहीं है वो वेद के विरुद्ध सिद्धांत है लेकिन फिर भी सब लोग उस बात को स्वीकार कर लिए उसका कारण है काल न भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है इतना आकर्षक कि उनके बोली से मुग्ध हो करके सब लोग इस बात को स्वीकार कर लिए क्योंकि भगवान वो विचित्र लीला करना चाहते हैं मधुर लीला करना चाहते हैं वो ब्रजवासी भगवान के बात को स्वीकार कर रहे हैं इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान का आकर्षण कृष्ण कह रहा है अब इससे इतना आकृष्ट हो गए कि भले वे परंपरा से आ रही है पूजा उसका त्याग कर दिए यह ब्रजवासियों की विशेषता यह उनके कृष्ण के, के प्रति स्नेह है कृष्ण के प्रति आकर्षण है यह सबसे महत्वपूर्ण बात कोई फिलॉसफी से आकृष्ट हो करके स्वीकार कर लिए हो ऐसी ही बात नहीं है फिलॉसफ़ी भी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कर्ण रोचक है सुनने में ठीक लग रहा है लेकिन फिलासफी ठीक नहीं है लेकिन भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है ऐसा आकर्षण है कि उनके बोली के जादू से इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिए साधु गृहणत अगृहणत जैसा भगवान प्रस्ताव दिए थे और तो उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगे और तो भगवान क्या प्रस्ताव दे रहे हैं और कैसे इसका संपादन किया गया इसका परिणाम क्या हुआ इन सब बातों पर हम लोग कल विचार करेंगे हरे कृष्ण